press the bell icon on the YouTube app and never. नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच अंजू जी. नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय. पर ये बताइए कि हम और आप तो भारत माता की जय बोल लेते हैं, आप भी बोल लेती हैं, लेकिन ओवैसी भारत माता की जय तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आप देखिए संसद भवन में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन तक बोल दिया. तो ये किस तरह की राजनीति है? क्या ये देशद्रोह के दायरे में नहीं आता कि आप संसद भवन के अंदर खड़े होकर संविधान की शपथ ले रहे हैं और एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आतंकवाद की श्रेणी में आता है? मुझे एक गाना याद आ गया, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि 2018 से लेकर के 2024 तक और अब तक एक सुर में मैंने भारतवासियों को, इस राष्ट्र से मोहब्बत करने वालों को, इस राष्ट्र के संविधान से मोहब्बत करने वालों को, भगत सिंह से मोहब्बत करने वाले को, सरदार पटेल जी से मोहब्बत करने वाले को, सावरकर जी से मोहब्बत करने वाले को, शिवाजी महाराज से मोहब्बत करने वाले को, इस मातृभूमि से मोहब्बत करने वाले को मैंने ये बात बताई कि अवेसी रजाकार फौज का आखिरी सिपहसालार है. बताई है मैंने, रोड पर भी बताई है, पब्लिक गैदरिंग में भी मैंने बताई है, टीवी चैनल्स पे भी बताई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से मैंने बताई है. मैंने ये भी बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, वो महिला विरोधी पार्टी है. अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को, पार्टी के पूरे डॉक्यूमेंट को उठा करके देखा जाए तो एक भी हिंदू उनके मेंबर में नहीं है या उनके नेता नहीं है, और एक भी मुसलमान या हिंदू या किसी भी धर्म की महिला ना ही उनके मेंबर में है और ना ही किसी पद पे. ये एक ऐसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जो मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए है, जो मुसलमान जहां जहां पर इत्तेहाद करेंगे उसको, उसका जमाकड़ा लगा करके, उसकी गैदरिंग लगा करके उनके फेवर में बात करने के लिए पार्टी बनी है. अब इसको दो तरीके से समझिए. एक, हम और आप कहते हैं कि गौरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है. आज से नहीं, एक जमाने से कहा गया है. आप अपने धर्म के, आप अंजू जी अपने धर्म के वेदों और ग्रंथों को उठाइएगा, उसमें भी कहा गया है गौरक्षा के बारे में, और गांधी जी ने भी कहा था गौरक्षा के बारे में, गांधी जी ने भी कहा था. तो मैं ये जानना चाहती हूं कि हम 18वीं लोकसभा तक आ चुके, क्या किसी को इस जरूरत का एहसास नहीं हुआ कि गौ रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन करके एक कानून बनाया जाए कि कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसको डायरेक्ट मैं या आप या हम जैसे जितने भी राष्ट्रवाद लोग हैं वो उसको जेल के सलाखों के भीतर पहुंचा सके. हम बोलते रहेंगे गौ हत्या गलत है, वो मानेंगे नहीं क्योंकि वो कसम खाए हुए हैं कि वो नहीं मानेंगे, तो उसके लिए तो कानून बनना चाहिए. उसी तरीके से एंटी नेशनल स्टेटमेंट के लिए क्या कोई कानून ऐसा नहीं आना चाहिए कि जब फरहाद हकीम ये कहे कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है, जब ममता बनर्जी ये कहे कि बीजेपी के खिलाफ जिहाद होगा, जब सलमान खुर्शीद की भतीजी ये कहे कि वोट जिहाद करना है, और जब 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में संविधान की कसम खाते हुए भीमराव अंबेडकर जी का जय जयकार करते हुए, जय मीम मतलब मुसलमानों का भी जय जयकार करते हुए, फिलिस्तीन का जय जयकार करते हुए जब दिखाई दिए असदुद्दीन अवैसी साहब, तब भी वहां पर किसी ने ये नहीं कहा उंगली उठा करके कि तुम्हारा शपथ भी हम पूरा नहीं होने देंगे. माँ की कसम अंजू जी, अगर मैं उस सभा में होती और उस सदन के अंदर होती तो मैं अपने शपथ समारोह में जय इज़राइल बोलती और ईंट का जवाब मैं पत्थर से देती, मैं चुप नहीं रहती और अपने अपने शपथ में मैं जय इज़राइल बोल करके ही हटती और तब कहती कि जिसको जो करना है करके दिखाओ. भैया आराम से कन्हैया के
वोट यहां कर दी जाती है, ये कह करके कि गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, पर मनोवर फारूक की मां सीता के और भगवान राम की पूरी बुरे तरीके से बुराई करता है, डिफेम करता है, मलाइन करता है, पर वो स्टार बन जाता है, पर वो स्टार बन जाता है। पूरे इंडी अलायंस में जितने भी मुसलमान हैं और असदुद्दीन अवेसी में, अवेसी की पार्टी में जितने लोग हैं, उनको वंदे मातरम बोलिए, नहीं बोले, भारत माता की जय बोलिए, नहीं बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए, नहीं बोलिए, उसको बोलिए कि भारत माता का स्लोगन लगाओ, नहीं लगाएगा। पर डेमोक्रेसी के मंदिर में जहां पर संविधान की कसम खा करके अपने राष्ट्र की सुरक्षा और अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कसम खाई जाती है, वहां पर ये हमारे भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि एक बिना मूंछ के दाढ़ी वाला और 51 डिग्री में गर्मी में शेरवानी पहनने वाला और टोपी पहन करके फिलिस्तीन का जय जयकार करता हुआ नजर आया। और कौन सा फिलिस्तीन? जिसने इसराइल की बहु बेटियों को अल्लाह अकबर के नारे पर नंगा किया, जिसने इसराइल की बहु बेटियों का बलात्कार किया था, जिसने इसराइल के बच्चों को माइक्रोवेव में जलाया था, जिसने इसराइल की बहु बेटियों को मार करके उनको न्यूड करके कमर में रस्सी बांध करके डेड बॉडी को घसीट करके वीडियो शूट किया था और नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला था, उस फलस्तीन का नारा और जय जयकार लगाते हुए डेमोक्रेसी के मंदिर में संवैधानिक स्थान पर और हजारों और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट और स्पीकर के सामने फलस्तीन का जय जयकार करते हुए नजर आए। विष्णु जैन जी ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत को रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैंने भी कल ही दे दिया रिप्रेजेंटेशन, मेरा रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही मैं थी और तब मुझे ये न्यूज आया था और मैंने उसी वक्त जमा कर दिया। अब बात आती है कि भैया मस्जिदों को बचाने के लिए तो सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा सुअमोटो एक्शन लेता है, डेमोक्रेसी के मंदिर में जब असदुद्दीन अवेसी फिलिस्तीन का जय जयकार कर रहे थे तो सुअमोटो एक्शन कहाँ चला गया, कहीं गुम हो गया क्या? या सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजेस हैं जो ऐसी चीजों पे आंख मूंद लेते हैं? मूंदना तो नहीं चाहिए। अब ये वही असदुद्दीन अवेसी हैं जिनके मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और असदुद्दीन अवेसी ने अपना पल्ला साफ करने के लिए कहा कि नहीं, हम वो तो अचानक से हो गया, हमने उसके हाथ से माइक छीन लिया, पर आपके मंच पर ऐसी कोई 19 साल की लड़की चढ़ ही कैसे गई जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दी, और जब उस लड़की का 110 दिन जेल खट करके आने के बाद बेल के बाद जब उसका बयान लिया गया तो उस लड़की ने साफ लफ्जों में कहा कि उसके कंटेंट राइटर होते हैं, उसके पीछे लोग होते हैं और वो लोग उसको बताते हैं कि किस तरह से कौन से मंच पर क्या बोलना है। तो इसका मतलब है कि रजाकार फौज के टीम पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं, रजाकार फौज के टीम ग्रुप कहीं ना कहीं सीरिया से भी काम कर रहे हैं और फिलिस्तीन से भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हमास से भी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के लिए कभी ध्रुव राठी काम करता है, कभी जुबैर काम करता है, और अजीत भारती जैसे एक राष्ट्र प्रेमी यूट्यूबर को लल्लू पंजू चवन्नी अठन्नी जी एक उटंगा जीन्स पहन करके चले आते हैं सिविल ड्रेस में अरेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जुबैर उनके एक 10 सेकंड की क्लिपिंग को निकाल करके वायरल करवाता है और सोचता है कि जैसे नुपुर शर्मा को बैन करवा दिया जुबैर, वैसे ही अजीत भारती को या नाजिया अलाए खान को भी बैन करवा देगा। लेकिन जुबैर अब भूल चुका है कि कन्हैया के मुंह पर बहुत जोर थप्पड़ लगा था और इस देशवासी ने मारा था, इस देश के युवा ने मारा था, और किसी के बाप की ताकत नहीं हुई कि अब जिसने थप्पड़ मारा था उसके खिलाफ कुछ कर दे, क्योंकि जनता की आवाज है भाई,